तो भाई आज बहुत बड़ा दिन है, बिकॉज पापा आज एक बहुत बड़ा पद लेने वाले हैं एक पॉलिटिकल पार्टी में। वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज नहा धो के ओडी ब्लॉग की शुरुआत अपने मस्त। किसको देख रहा है भाई, किसको देख रहा है? इधर आओ चलो, बाहर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, चलो क्या कर रहे हो? जाना है पापा को एक बहुत बड़े फंक्शन में, और उस फंक्शन में जो पापा का गेटअप है ना वो है कुर्ता पजामा। तो मैं इस कुर्ते पजामे में कर रहा हूँ प्रेस, मस्त प्रेस लगा रहा हूँ और मस्त अपना प्रेस कर रहा हूँ कपड़ों में। अंकल कैसे कैसे हो? अंकल चल बोल, क्या हो गया? चुप, भौंका जा रहा है, भौंका जा रहा है यार। और अंकल क्या चल रहा है? चल रहा है जिंदगी में कुछ? कुछ नहीं आया। कुछ नया आया जिंदगी में? नो, कुछ नई शादी वादी हुई हो? एक की शादी हुई थी गाँव में। किसकी? की। अरे अच्छा, अरे यार शिट। और आपकी आपकी हो गई? मेरे तो बच्चे हैं, बच्चों की भी कर दी दो की। अरे क्या बात है, इसी बात ही होता ये। अंकल जवान है हमारे, यंग जवान अंकल। क्या बात, लगते नहीं यार, लगते की अभी शादी नहीं हुई होगी। तो भाई आज बहुत बड़ा दिन है, बिकॉज पापा आज एक बहुत बड़ा पद लेने वाले हैं एक पॉलिटिकल पार्टी में। पॉलिटिकल पार्टी पापा क्या है बताओ? पॉलिटिकल गुंडा राज। गुंडा राज क्या है वो? गुंडों की पार्टी, फौज। ये क्या आपने गेटअप धारण क्यों करा आपने बताओ जनता को? लेकिन आज से मैं बनने जा रहा हूँ नेता। नेता बन रहे हो? नेता कुछ नहीं, एक हमारा एक संगठन है। अच्छा, उस संगठन का मैं जिला अध्यक्ष का पद ले रहा हूँ। जिला अध्यक्ष मतलब क्या हुआ? जिला अध्यक्ष मतलब जिले का अध्यक्ष हुआ, जिले में डिस्ट्रिक्ट का मालिक, उस संगठन में जिले में सबसे बड़ा पद हुआ। अच्छा, तो उस पद लेने जा रहे हैं। तो क्या सभा, क्या क्या मतलब कौन सी पार्टी है वो? पार्टी वार्टी कुछ नहीं, संगठन है हमारा। अच्छा, ब्राह्मणों का एक संगठन है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ब्राह्मणों का संगठन है, उसका जिला अध्यक्ष ले रहा हूँ मैं। क्या ब्राह्मण है? तो आज है पापा की शपथ समारोह, तो पापा आज शपथ लेंगे कि मैं इस डिस्ट्रिक्ट में, इस जिले में क्या करूंगा? चेंज कर देंगे, जिले को एक स्वच्छ जिला बनाएंगे। बनाओगे? और एक बहुत अच्छी भूमिका इसमें हम निर्धारित करेंगे और बहुत अच्छे कार्य करेंगे। क्या बात, पब्लिक वेलफेयर का काम करेंगे, समाज के हित के लिए अच्छे काम करेंगे, गरीबों की हेल्प करेंगे, जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे उनको पढ़ाएंगे, जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा उनकी उनका विवाह कराएंगे। बहुत बड़ा विजन लेकर चल रहा हूँ। तो भाई पापा आज से आ चुके हैं पॉलिटिकल पार्टी में, और मस्त पापा के शूज रेडी हो चुके हैं, मस्त पहन रहे हैं। ये तो बैठ नहीं पा रहा हूँ। क्या हो गया? पजामा इधर टाइट हो रहा हूँ। उनका ये उनका ही आपका कहाँ है? पूरा फट जाएगा पीछे। अरे भाई साहब, कुर्सियां थोड़ा सा नीचे बैठना पड़ गया ना। नेता का बैठ जाएगा, आराम से पहनो। तो भाई फाइनली पापा बैठ रहे अपनी गाड़ी में और निकल रहे। पापा ऑल द बेस्ट, राजनीति की नई शुरुआत। प्रणाम, आशीर्वाद बेटा। आपको बहुत बहुत बधाई जो आप करने जा रहे हो, आपकी नई लाइफ की शुरुआत हो रही है आज से। बैठू कैसे? क्यों? अरे ये फटने वाली भाई। आराम से, आराम से। मारने की बात कर तेरे यार के, दो गाल मार दे छोड़ा दा सा। उधर बात है, दो गाल लाल बच्चे वाली गाड़ी पीछे घूमेगी। छोड़ा दा सा के मजा। भाई ओम, उठ जा, उठ जा, उठ जा, उठ जा, उठ 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 ओम। पापा को देना सरप्राइज भी, चल जल्दी उठ, जल्दी उठ। तो मम्मा कैसा लग रहा है आपको कि पापा नेता बन चुके हैं? वो नेता कब नहीं थे, वो हमेशा से ही नेता है। वो घर में भी तो नेतागिरी करते रहते हैं। सही बात है, वो तो करते ही है, लेकिन अब ऑफिशियल नेता हो चुकी है। लेकिन अब मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नेता नेता वो जब से शादी हुई तब से नेतागिरी छाड़ रहे हैं। तो क्या आप पापा को सपोर्ट करते हो नेता बनने में? हाँ, देखो उनकी मर्जी है तो ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अगर उनको उसमें मजा आ रहा है तो अच्छी बात है। अगर पापा सीएम बन गए तो सीएम तो मैं सीएम की बीबी, और अगर पीएम बन गए तो मैं पीएम की बीबी। तो भाई लोगों, पापा गए अपनी शपथ समारोह में, और वहां अगर उनके बेटे नहीं गए, अगर हमें और ओम नहीं गए, तो फिर क्या फायदा बेटे होने का?
तो हम जाएंगे पापा को सरप्राइज करेंगे, मैं जाऊंगा अपनी गैंग के साथ, मतलब मैं तो जाऊंगा, मैं ओम तो जाएंगे, बट अपनी पूरी गैंग जाएगी भाई, पूरी जितनी भी गाड़ियां होंगी वो सब पू 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 मतलब पू 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 करते करते भाई सब पहुंच जाएगी सब शपथ समारोह में। और भाई पापा मस्त मतलब फुल टोरा फलाएंगे मस्त, पापा का जय हिंद करेंगे, जय हिंद जय भारत और जय श्री राम करेंगे। तो चलो भाई मस्त मतलब एंजॉय करते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी में आ चुके भाई, नेता बनचुको नेता 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 बनचुको नेता नेता। मजाक से हटके मतलब बहुत सीरियस मैटर पे हम वर्क करेंगे अब, और बहुत आगे तक काम फैलाएंगे और बहुत अच्छे अच्छे काम करेंगे। तो मस्त जाएंगे और देखते हैं कि पापा कैसे अपनी शपथ लेते हैं और क्या क्या पापा बोलते हैं स्टेज पे। अपनी पूरी गैंग जाएगी साथ में, अपनी पूरी फौज जाएगी, तो वो भी घर पे आने वाले होंगे। तो बस अभी रेडी होते हैं और निकलते हैं। उठे बेटा, सुबह से सो रहा है 12 बजे से, उठ तो, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ। कैसा बेड का हाल बना रखा तुमने, उठ जाओ, चलो खाना लगा दिया मैंने, आ जाओ। खाने में भिंडी सब्जी और रोटी तो मस्त खाते भी, और फिर खा के निकलेंगे मस्त पापा के इवेंट में। तो भाई घर में आ चुका अपना मोटा भाई, मोटा भाई रेडी हो चुका है, भयंकर सोया हुआ था भाई, इसको मैंने बोला 3 बजे रेडी रहना भाई, सोया हुआ था, गेंडो की तरह सोया था ये भयंकर। इसको इतनी कॉल कर दी, 10 कॉल कर दी, लेकिन भाई का फोन खराब हो गया। लेकिन भाई इसको मैं घर से लेके आया हूँ, अभी रेडी हो चुका है ये, और फुल सिस्टम बड़े हैंडसम लग रहा है। और भाई बाकी ओम भी रेडी हो चुका है, व्हाइट व्हाइट पहन रहा आज तो। और ये है मोटा भाई की शर्ट, भाई मेरे पास व्हाइट शर्ट नहीं थी तो मैं गया मोटा भाई के पास और बोला मोटा भाई एक शर्ट दे दो, तो मोटा भाई ने शर्ट दे दिए, थैंक यू सो मच। तो भाई अपन हो चुके रेडी, सामने अपनी गुरखा रेडी है भाई, मोटा भाई रेडी है, और भाई लोगों की अपनी गैंग रेडी है। रक्षित भाई तो गले मिल भाई, कैसा बढ़िया सामने भाई लोगों, कैसे यार, एकदम एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो भाई एक गाड़ी दो गाड़ी तीन कितनी, हेलो भाई क्या हाल चाल, तो भाई निकले फिर निकले, आज करना पापा को सपोर्ट करना है भाई, बिल्कुल यार रेडी, चलो फिर निकलो। मारने की बात कर भाई, गाड़ी गर्मी हो रही है, सामने भाई ओम भी आ चुका है, आगे कर रहा हूँ जल्दी बाहर गाड़ी से गाड़ियाँ। गाइस निकलते फटाफट से, और पापा को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर एकत्रित हो गए हैं, अभी 50 लोग हैं भाई, 50 लोग हैं कम से कम, और हम भी चल रहे हैं अपनी गाड़ी निकाल के, एसी चला रहा हूँ भाई, चला एसी चलाना है भाई मोटा भाई के लिए, चलो भाई एसी चलाओ, हो रही है यार। हाँ रशीद इसको बैक कर, बैक करूँ किसके पीछे भाई, यहाँ बन रही है अपनी रीले, ठीक है। तो भाई एक गाड़ी अपनी पीछे रशीद की है, और पीछे अपने भाई लोगों की है, 1 2 3 कौन सी वाली, दोनों दे रही है, अच्छा तो ये भी रक्षित की है, ये भी रक्षित की है, पीछे दोनों गाड़ी अपने भाई लोगों की है, तो 4 गाड़ी तो ये है, बाकी 2 गाड़ी भी और आगे मिल जाएगी हमको। और रक्षित जो है अपना भाई क्लासमेट है, साथ पढ़ा हम लोगों ने, 9th 10th 11th 12th, तू बैठ फेरा, हम निकल रहे चल। देख सकते हो सामने जो है फॉर्च्यूनर जा रही है, और फॉर्च्यूनर के आगे हम लोग जाएंगे, सबसे आगे हमारी गाड़ी है, सबसे आगे हमारी गाड़ी है, और पीछे 5-6 गाड़ियां हैं, बाकी हमको अभी आगे 2-3 गाड़ी और मिलेगी। हाँ, और यहाँ पर पीछे हमारे जो है सारे साथी बैठे हैं, गैंग आ रही है। रक्षित कितने लोग होंगे भाई अपने, गाड़ी बजाना तू मैठा मैं जिटी रोड पैर, सिस्टम पैड कचाल छोर टोर मोर ਕੋਲੇ ਬਾਬਾ ਕੀ ਕੇਰ ਪਤਰ ਰਵਾ ਮੋਜ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬਾਈਆਂ ਗਿਲ ਗੱਡੀ ਚੱਲੇ ਚੱਲੇ ਰੇਲ ਸਕੂਲ ਮੈਂ ਬੇਸਕ ਪਾਸ ਕੁਨੀ ਮਾਰੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਫੇਲ ਗੱਡੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ जिले के लिए मैं हमारा जो है ललित पांडे जी को मैं जिला अध्यक्ष के लिए नियुक्त करता हूँ, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करता हूँ।
पूरी टीम जो यहाँ पर आई हुई है और इसके पूरे यहाँ पर यूथ आया हुआ है, उनका यहाँ पर वेलकम है, स्वागत है, वो यहाँ पर आए। हमारा जो ये संगठन है ये ब्राह्मण महासभा है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जितने भी यूथ पीछे बैठे हुए हैं सब सुनिए, यहाँ पर इसमें कई कोई ब्राह्मण होगा, कोई ठाकुर भी हो सकता है मेरे ख्याल से, कोई किसी भी कास्ट का हो सकता है। ब्राह्मण महाकुंभ हमारा जो हरिद्वार में होने वाला है, ब्राह्मणों का हमारा संगठन है, क्योंकि हम सब लोग ब्राह्मण है, हमारा एक संगठन हमने बनाया हुआ है, लेकिन हम काम सबके लिए करते हैं। अभी बीच में अभी यहाँ पर जितने भी समाज के जितने भी लोग हैं, जिसको भी अगर किसी की कभी जरूरत होती है कोई भी चीज सपोज, तो हमारे लोग वहां पर तैनात खड़े होते हैं। जैसे कि अभी मैं बताता हूँ, अभी जैसे कि हमारा रक्त हम ब्लड डोनेट करते हैं, अब सपोज कल के दिन हॉस्पिटल में कोई भी किसी भी समुदाय का आदमी अगर आता है, उसको अगर ब्लड की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं देखता कोई भी, वहां पर ब्लड चाहिए तो ब्लड चाहिए, मतलब ठीक है। तो कहने का मतलब मैं इसलिए ये सारी चीजें कह रहा हूँ क्योंकि आज हमको अपने माइंड को ब्रॉड करना है, खोलना है माइंड को, क्योंकि सूक्ष्म विचारधाराएं जो होती है आदमी को अंदर ही अंदर खत्म कर लेती है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों का काम है ब्राह्मण समाज के नीचे कार्य करते हुए हर समुदाय के लोगों के साथ एक साथ चलना, और मैं सभी लोगों को आमंत्रित करता हूँ हरिद्वार में जो हमारा महाकुंभ होने वाला है, उसमें अधिक से अधिक तादाद में आप लोग आए और हमारे इस प्रोग्राम को सफल बनाए। अभी यहाँ पर एक शर्मा जी आए हुए हैं, हमारे कॉलेज के उपाध्यक्ष पद के लिए है, शिवम शर्मा जी, उपाध्यक्ष पद के लिए खड़े हो रहे हैं, और इतनी भेजते गिरते हैं, ये हमारे ऋतिक भाई हैं और ये हमारे शर्मा जी हैं, ये दोनों कॉलेज के अंदर खड़े हो रहे हैं। धड़की चल रहो सब की रुका मर ठाठा जुड़ो सुपरा एक जीरो सात की रह जुड़ो सब उसकी मरोड़ काटा लाखा में एक संदूक मैं करोड़ आमे। अभी अपना पेट्रोल भरा दिया डीजल गाड़ी में और डीजल भरा के चलते हैं फिर। अभी कार से कितना चाहिए बता, 5,000-6,000 बारह चाहिए तेरे को। बाकी भाई गाड़ी में शिवम भाई है। तो भाई पापा के मस्त शपथ समारोह से आ चुके हैं घर, और मतलब मस्त हमने वहाँ पर काफिला बनाया, काफिला फैलाया, मस्त टोरा बनाया, मस्त मतलब रैली निकाल दी पापा के नाम की, और खूब मजा आ गए। तो बाकी तो अभी मस्त अपने कपड़े उतारते हैं, फ्रेश होते हैं और फ्रेश होके मिलते हैं। बाकी टाइम हो चुका है रात के, बज चुके अपने 8, रात के 8 बज चुके हैं। सो गाइस दिस इज द नेक्स्ट डे, कल रात को खाना वाना खा के सो गया मैं, तो बस अभी करते ब्लॉग को एंड। अगर आपको ब्लॉग देख के मजा आया, कोई चेहरे पे स्माइल आई, आपने एंजॉय करा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं कल सुबह, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड लिव योर लाइफ एज मच एज यू कैन, कल सुबह तैयार रहना, तब तक के लिए बाय बाय। पापा आ चुके हैं मस्त पॉलिटिक्स में, मस्त पापा को हमने कल सपोर्ट करा, खूब मजा आया भाई, फर्स्ट टाइम रियल टाइम एक्सपीरियंस था मेरा, बहुत एंजॉय करा। बाकी भी देखते हैं कि आगे होता है क्या, अभी तो पिक्चर की शुरुआत है, अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। Till then, bye-bye.